वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर कौन सी टेक्निक इंक्लूडेड होती है, हमें उस टेक्निक का नाम बताना है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है जब बेबी को जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर मीन्स जो स्पर्म होता है और ओवम दोनों को आपस में टेस्ट ट्यूब के अंदर तो फ्यूज कराते हैं बट उसको बाद में किसी और फीमेल के अंदर ट्रांसफर करा दिया जाता है या फिर उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी के डेवलपमेंट भी कराया जाता है, उसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो होता है उसके अंदर कौन सी टेक्निक इंक्लूडेड होती। पहला ऑप्शन है जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, दूसरा ऑप्शन है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तीसरा ऑप्शन है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन, चौथा ऑप्शन है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर जो इंक्लूडेड टेक्निक होता है उस टेक्निक का नाम है जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। मींस जब स्पर्म और ओवम दोनों को आपस में फर्टिलाइजेशन कराने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, जायगोट का, और उस जाइगोट को ट्रांसफर किसके अंदर करा दिया जाता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर करा दिया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर कौन सा प्रोग्राम आता है, दैट इज जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्ब्रियो विद मोर देन सिस्टीन ब्लास्टोमियर, जब एम्ब्रियो सिस्टीन ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो जाएगा फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की हेल्प से मीन्स ये टेक्निक इसमें आ रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की यहाँ पे बात की गई। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो जब एक सिस्टीन ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको जो है किसके अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात की गई है। पहला ऑप्शन है यूट्रस, दूसरा ऑप्शन है फिम्ब्रिए, तीसरा है सर्विक्स, चौथा फेलोपियन ट्यूब। हम इन दोनों को तो सबसे पहले कट कर देंगे क्योंकि ना तो फिम्ब्रिए का यहाँ पे कोई रोल होगा और ना तो सर्विक्स का, इन दोनों में तो ट्रांसफर ही नहीं किया जाएगा जायगोट को या एम्ब्रियो को। उसके बाद बचा क्या, फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस बचा है। तो यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात की गई हो तो यहाँ पे क्या आएगा, यूट्रस आएगा। जब एम्ब्रियो सिस्टीन ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको ट्रांसफर किस में किया जाएगा, यूट्रस में किया जाएगा इन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन से, मीन्स यूट्रस को इस तरीके से प्रिपेयर कर देता है कि अब यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। इम्प्लांटेशन का क्या मतलब होता है, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद द वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की इनर वॉल दैट इज इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम की वॉल से जब एम्ब्रियो आके अटैच होता है उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है कि जो कि यूट्रस की वॉल को अनसुटेबल बना देता है फॉर इम्प्लांटेशन। फर्स्ट ऑप्शन इज डायाफ्राम, सेकेंड इज कॉन्डम, थर्ड इज आईयूडी एंड फोर्थ इज नेचुरल मेथड। यहाँ पे ना तो डायाफ्राम होगा ना तो नेचुरल मेथड, उसके बचा क्या, कॉन्डम बचा और आईयूडी बचा। आईयूडी एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, क्यों, क्योंकि ये जो है इसे कॉपर इसमें प्रेजेंट होता है, ये क्या बना देता है, यूट्रस को इस तरीके से प्रिपेयर कर देता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस कि अब यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन अनसुटेबल है, मींस अब उसके अंदर इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो यूट्रस को अनसुटेबल बना देता फॉर इम्प्लांटेशन, दैट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइस। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंथर इज जनरली कंपोज ऑफ, एंथर के पास मतलब एंथर जो है किससे बना हुआ होता है, किससे प्रिपेयर रहता है एंथर। फर्स्ट ऑप्शन इज वन स्पोरेंजियम, सेकेंड इज टू स्पोरेंजिया, थर्ड इज थ्री स्पोरेंजिया एंड फोर्थ इज फोर स्पोरेंजिया। एंथर डायग्राम सबने देखा होगा, एंथर का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। ये क्या है, एंथर का डायग्राम है। जब एंथर की डेंसिस हो जाती है मीन्स एंथर जब रिलीज होता है वहाँ से पॉलन रिलीज होता है तो इस तरीके से कुछ उसका डायग्राम बनता है। और यहाँ पे देखो एक ये हो गया स्पोरेंजिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो कितने टोटल प्रेजेंट होते हैं, फोर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है एंथर में। तो एंथर किससे बना हुआ होता है, चार स्पोरेंजिया से एंथर मिलकर प्रिपेयर रहता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिस्पर्म इज, पेरिस्पर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज परसिस्टेंट न्यूसेलस इन सीड,
सेकेंड इज ओव्यूल वॉल, थर्ड इज ओव्यूल कोर्ट एंड फोर्थ इज फॉसिल। पेरिस्पर्म इज द परसिस्टेंस न्यूसिलस। पेरिस्पर्म को क्या बोला जाता है? परसिस्टेंस न्यूसिलस क्या होता है? अब ये परसिस्टेंस न्यूसिलस क्या होता है? जब एक्स्ट्रा न्यूसिलस मीन्स जब एक्स्ट्रा न्यूसिलस बच जाता है। और एक्स्ट्रा न्यूसिलस क्या होता है? न्यूसिलस के अंदर काम क्या होता है? न्यूसिलस का फंक्शन क्या होता है? न्यूसिलस किसे कहते हैं? मासेस ऑफ सेल को न्यूसिलस कहते हैं। मीन्स जब बहुत सारी सेल्स आपस में एक दूसरे से ग्रुप बना लेती उसे कहते हैं न्यूसिलस। और न्यूसिलस का काम क्या होता है? इसके अंदर फूड रिजर्व रहता है। तो जब बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा न्यूसिलस का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो पेरिस्पर्म क्या होता है? परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द सीड। सीड के अंदर जब एक्स्ट्रा न्यूसिलस बच जाता है उसे कहते हैं पेरिस्पर्म। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेज इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। मीन्स मेज के अंदर किस टाइप का पॉलिनेशन होता है? मेज के अंदर विंड पॉलिनेशन होता है। कौन सा पॉलिनेशन होता है? विंड पॉलिनेशन। अब इस विंड पॉलिनेशन को और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है एनिमोफिली, दूसरा ऑप्शन है ओरिंथोफिली, तीसरा ऑप्शन है इंटिमोफिली, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोफिली। मेज के अंदर बेस्ट पॉलिनेशन इज एनिमोफिली। एनिमोफिली एनिमोफिली का मतलब होता है विंड से जब पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं एनिमोफिली। तो मेज के अंदर किस टाइप का पॉलिनेशन होता है? दैट इज एनिमोफिली। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द बॉडी इज। मीन्स जब कोई भी पैथोजेन हमारी बॉडी में इंटर करता है सबसे पहले वो किसके ऊपर अटैक करता है या फिर सबसे पहला ऐसा कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो उस डिफेंस मैकेनिज्म से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज स्किन एंड म्यूकस मेमोरी, सेकेंड इज न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, थर्ड इज फीवर एंड फोर्थ इज इंटरफेरॉन। सबसे पहले जब कोई भी पैथोजेन बॉडी पर अटैक करता है तो यहाँ पे हमारी बॉडी में स्किन की कवरिंग प्रेजेंट होती है, वो प्रिवेंट करती है हमारी बॉडी को उस पैथोजेन से। और म्यूकस की लाइनिंग भी प्रेजेंट होती है हमारे इंटरनल ऑर्गन में, वो भी प्रिवेंट करता उस पैथोजेन से। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का नाम बताना है। बोन मैरो ये कैसा है? ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। बट स्प्लीन कैसा होता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। नेक्स्ट स्प्लीन क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। बट थाइमस क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और बोन मैरो क्या है? ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। बट टॉन्सिल क्या होता है? ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। और ये थाइमस ग्लैंड ये भी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। और बोन मैरो ये भी जो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो यहाँ पे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का ही नाम पूछा गया है, तो थाइमस होता है और बोन मैरो होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन। इम्यूनाइजेशन की प्रॉपर्टी जो होती है वो किस पे टोटली बेस्ड होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज मेमोरी ऑफ इंडिविजुअल, सेकेंड इज पैथोजेनिक पावर एंड थर्ड इज फाइगोसाइटोसिस एंड फोर्थ इज मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यूनाइजेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो किस पे बेस्ड होती है? इम्यून सिस्टम की मेमोरी पे बेस्ड होती है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीपीटी वैक्सीन इज एग्जांपल ऑफ। डीपीटी वैक्सीन किसका एग्जांपल होता है? पैसिव इम्यूनिटी का होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी का होता है कि दोनों का होता है या फिर इंटरफेरॉन का एग्जांपल होता है? डीपीटी वैक्सीन इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। किसका एग्जाम्पल होता है? एक्टिव इम्यूनिटी का। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स इज ड्यू टू। एड्स किसकी वजह से होता है? एड्स में ऐसा क्या होता है? पहला ऑप्शन है रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, सेकेंड इज लैक ऑफ इंटरफेरॉन, थर्ड इज रिडक्शन इन नंबर ऑफ किलर टी सेल, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज होती। एड्स में क्या होता है? जब इसका पैथोजन हमारी बॉडी में मीन्स HIV जब बॉडी पे अटैक करता है तो कंटिन्यूस हमारी जितनी भी हेल्पर टी लिम्फोसाइट होती हैं उनके नंबर्स डिक्रीज हो जाते हैं और जो नई हेल्पर टी लिम्फोसाइट बनती भी हैं उसके भी नंबर्स वो पैथोजन क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो ये कंटिन्यूस किस पर अटैक करता है? हमारी हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एड्स में क्या होता है? कंटिन्यूस हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर्स रिड्यूस हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।